कि अगर कल यानी कि पिछले 48 घंटे पहले अगर उसमें देखें तो 3,689 डेथ्स अगर रिपोर्ट हुई थी, तो पिछले 24 घंटे में 3,417 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जैसे अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज़्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह ज़रूरी है कि जहां पर केसेस ज़्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। इसी तरीके से अगर हम सैंपल केस पॉजिटिविटी, जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें कितने पॉजिटिव आए, और उसको एनालाइज करके देखें तो पाते हैं कि 22 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि काफ़ी प्रांत ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5 से 15% केस पॉजिटिविटी वाली 9 स्टेट्स हैं, और less than 5% पॉजिटिविटी वाली 5 स्टेट्स हैं। अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग, या कुछ हद तक हम एक दो स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं, डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800, महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं, इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेंस प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं उन गेंस को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेंस के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। इसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अभी भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट हो रहा है, वह स्टेट्स जरूरी है कि रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें, रिक्वायर्ड कंटेनमेंट एफर्ट्स पर अपना ध्यान रखें, जिसमें मुख्यतः हम दिखाना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, ऐसी स्टेट्स में इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, जहां पर कि आप देखें तो हमें केसेस का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यही सिचुएशन अब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। आज जरूरी है कि जहां पर भी केसेस में यह इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, हम उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें, जिन जिन एरियाज में केसेस आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट पर हमारा कार्य चलता रहे। साथ ही जिस तरह से कुछ स्टेट्स में हमें एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीज इन केसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः आप देखें छत्तीसगढ़ में दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव में केसेस में थोड़ा कमी देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, गुना और शाजापुर, लद्दाख में लेह लद्दाख, और इसी से तेलंगाना में भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि केसेस में पिछले 15 दिन में कमी नोट की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, ठाणे और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। यहाँ हम फिर आप सबसे मनवी करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि जो भी ये हमें गेंस दिख रहे हैं इनको हम प्रिजर्व करें, इन पर कार्य चलता रहे, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स उसी मोमेंटम, उसी गति से चलते रहें,
नहीं तो ऐसा ना हो कि जो भी हमें ये अर्ली साइंस ऑफ गेन दिख रहे हैं हम इनको फिर से लूज कर दें। वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन कवरेज अब तक हम 12.07 करोड़ अबव 45 ईयर्स कवर कर चुके हैं, 1.57 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.06 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी कवर्ड। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे, रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव एक अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ अवी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेंस हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की ज़रूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर कि PSA नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिकुलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिकुलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहाँ पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टेंडर टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस और बढ़ाया जाए ताकि हम COVID-19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने आए उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्णय है कि जो नीट और PG का एग्ज़ाम है इसको कम से कम 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि यह 31 अगस्त से पहले नहीं किए जाएंगे, और साथ ही जब भी एग्ज़ाम अनाउंस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर सकें उनको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा।
इसके द्वारा हमारे पास जो नीट और पीजी से संबंधित जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मैन पावर बढ़ जाती है। साथ ही जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं, हम उनको भी कोविड ड्यूटीज़ के लिए उनकी फैकल्टी के अंदर एज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकें। इसके साथ ही फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेली कंसल्टेशन या माइल्ड कोविड केसेस के बारे में उसको उनको ओरिएंट करते हुए वहाँ भी उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो फाइनल ईयर PG स्टूडेंट्स हैं वो एज रेजिडेंस कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्रेश बैच ऑफ PG स्टूडेंट्स नहीं आ जाते। इसके साथ ही BSc और GNM क्वालिफाइड नर्सों को भी हम फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज़ के लिए उनका सहायता लेंगे, वह अपने सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेज के अंडर में काम करेंगी। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन देयर सर्टिफिकेशन, उनकी सर्विसेज और उनकी सहायता भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही वह हमारे मेडिकल कर्मी जो आज एक ऐसी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, जो प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी, अपनी आप को भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो भी आदमी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश्ड कोविड नेशनल सर्विस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनको आने वाले किसी मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे कोविड ड्यूटी में एंगेज होंगे, उनके सपोर्ट के लिए उनका वैक्सीनेशन और साथ में उनको जो हमारी ऑनगोइंग इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वे डॉक्टर की हों, चाहे नर्सेज की हों, चाहे वे एलाइड प्रोफेशनल्स की हों, उनको एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस के थ्रू 45 दिन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के द्वारा NHM के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाए। आज जब हम एक स्थाई पर जो सप्लाई साइड, यानी कि हम कैसे कि केसेस को मैनेज कर सकें, इस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, जरूरत है कि ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के लिए कि हम रूट कॉज पर भी काम करें। रूट कॉज जो है वह हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम कैसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड प्रयत्न ना करें, वह कभी भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी कोर कैपेसिटीज और लॉजिस्टिक्स को ओवरवेलम कर सकता है। इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से हम सप्लाई साइड अप्रोच, यानी कि चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स हों, चाहे वह मेडिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस पर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी उसी मोमेंटम से काम करने की ज़रूरत है। कलेक्टिवली ज़रूरत है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी में उस अप्रोच से काम करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, उस पर कार्य करें। आज ज़रूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट की है, कि एक तरफ हमारे एरिया जहां पर कि केस पॉजिटिविटी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट से रिलेटेड कार्य चलता रहे। दूसरा जरूरी है कि जहां पर अधिक सर्ज पाया जा रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट जैसे कार्य पर भी ध्यान दें। इसी के तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इससे संबंधित गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को रिट्रेट करते हुए कहा है कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करें, जो वह जिले हैं जहां पर कि 10% से ज़्यादा केस पॉजिटिविटी है, या जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 60% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं या ICU बेड्स हैं वह भरे चुके हैं। स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन जिलों में वह एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं, और वहां पर लोकल कंटेनमेंट, जिसका प्राइमरी पर्पस है कि लोकल इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, उसको कम किया जाए, उसको 14 दिन तक उससे रिक्वायर्ड एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कार्य किया जाए, जिसके तहत ही जो स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन हम आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एक इंटेंसिव एक्शन हो उन एरियाज में जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, हमारा फोकस कंटेनमेंट पर बना रहे, हमारा फोकस एक्सेप्ट फॉर
अलाउड एक्टिविटीज़ बाकी गैदरिंग्स और कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं उन पर हम ना होने दें, इसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूड रहें, टेस्टिंग और सर्वेलेंस पर हमारा फोकस बना रहे, स्पेशल टीम्स जितनी बनानी है जिनके द्वारा हम कंटेनमेंट और सर्वेलेंस करें उस पर हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन पेशेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री हम उसी को अपने हिसाब से उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहें। हॉस्पिटल एडमिशन, एक पेशेंट को हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से मिल सके और पब्लिक डोमेन में उसकी अवेलेबिलिटी हो डिटेल्स की, उसका एक प्रोसेस सेट किया जाए। वैक्सीनेशन पर हमारा एफर्ट्स बने रहें। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे हमने इससे पहले भी आपके द्वारा रिक्वेस्ट की थी कि मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को दूर करते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर फोकस करते हुए हम लोग काम करें, और यह भी इंश्योर करें कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन पर जब काम हो रहा है तो हम कंटेनमेंट पर भी, इन्फेक्शन स्प्रेड पर भी अपना कार्य उसी मोमेंटम और उसी सिंसियरिटी से करते रहें। धन्यवाद। Now I can request AS from the Home Ministry to brief the media. धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय साथियों, पिछले सप्ताह हमने कोविड केसेस में शार्प राइज होने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अत्यधिक बढ़ने तथा उसकी आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की थी। जो लोग पिछले सप्ताह की चर्चा से अनभिज्ञ हैं उनकी जानकारी के लिए मैं संक्षेप में इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा तथा और क्या इस विषय में किया जा रहा है इस बारे में बताऊंगा। भारत सरकार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मैन्युफैक्चरर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर के साथ निरंतर विचार विमर्श कर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन, मूवमेंट तथा सप्लाई पूरे देश में सुनिश्चित कर रही है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि ऑक्सीजन का उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मेट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मेट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की जो सेल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, तथा अब ये 7,500 से लेकर 8,000 मेट्रिक टन तक प्रतिदिन हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, और साथ ही भविष्य में कोविड केसेस में अपेक्षानुसार कमी ना होने अथवा वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार विदेश से भी ऑक्सीजन इम्पोर्ट कर रही है, जिससे कि भविष्य में भी यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि देश में ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो जैसे कि नए ऑक्सीजन प्लांट्स तथा मौजूदा प्लांट्स के उत्पादन में वृद्धि करना, स्टील प्लांट्स जिनका एक बाई प्रोडक्ट लिक्विड ऑक्सीजन होता है उनके उत्पादन में वृद्धि कर इसको बढ़ाना, मेडिकल ऑक्सीजन के परंपरागत मैन्युफैक्चरर्स के अलावा अन्य मैन्युफैक्चरर्स को भी के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कराना, और साथ ही इस संदर्भ में इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स को भी मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। डिफेंस फोर्सेस तथा मेडिकल पर्पस को छोड़कर अन इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, और स्टील प्लांट्स तथा ऑयल रिफाइनरीज जिनके पास काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है उनकी मदद से जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथी ने भी आपको बताया ही था प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन प्लांट्स के बारे में, और इसके पश्चात हम आवंटन की बात करेंगे। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मैन्युफैक्चरर्स तथा स्टेक होल्डर से चर्चा कर तथा स्वास्थ्य विभाग के जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का आकलन कर एक डायनामिक प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन का आवंटन किया जाता है, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। आवंटन करते समय इंडस्ट्री विभाग सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श कर यह कोशिश करता है कि ऑक्सीजन उत्पादन के स्थान से गंतव्य स्थान तक ऑक्सीजन भेजना कम से कम समय में सुनिश्चित किया जा सके। अब एक बार आपने प्रोडक्शन कर लिया और ये तय कर लिया कि कहाँ से, किस स्थान से, किस स्थान कितनी मात्रा में भेजना है,
तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसकी वजह से हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम उस पर चर्चा करते हैं, वो है मूवमेंट। जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि ऑक्सीजन जो है उसका उत्पादन अधिकांशतः देश के पूर्वी भागों में होता है जहाँ ये एक्सेस में उपलब्ध है, जबकि उत्तर भारत तथा मध्य भारत में इसकी मांग ज़्यादा होने से यहाँ इसकी उपलब्धता कम है। अतः कम से कम समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन को टैंकर के माध्यम से सामान्यतः सड़क मार्ग से भेजा जाता है, पर इस वर्तमान समय में लंबी दूरी के स्थान में जहाँ टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, टर्न अराउंड टाइम से मतलब है कि आपका टैंकर एक जगह से भर के ऑक्सीजन चला और फिर वो जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ जितना भी समय लगा, 3-4 दिन अगर वो सड़क से बहुत दूर से आ रहा है तो वहाँ पे फिर उसको अनलोड करके फिर वो वापस आया अपने स्थान जहाँ से उसको फिर से रिफिलिंग होनी है, तो वो पूरा जो एक प्रोसेस है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो इस टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि खाली टैंकर्स को वायुसेना की मदद से उत्पादन वाले स्थान तक एयरलिफ्ट किया जाए तथा ऑक्सीजन से भरे हुए टैंकर्स को रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाकर गंतव्य स्थान तक शीघ्रता से भेजा जाए। यहाँ मैं फिर से उल्लेख करना चाहूँगा कि भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसमें टेक्निकल रीज़न से उसमें अनुमन्य नहीं है, उसमें खतरा हो सकता है। तदनुसार इस निर्णय के अनुसार पिछले 2 सप्ताह से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मांग अनुसार जितनी भी उन्होंने मांग की उतनी उनको वायुसेना ने एयरलिफ्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी तथा रेलवेज ने मांग के अनुसार स्पेशल ट्रेन्स लगाई। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी मांग को इसमें अनदेखा नहीं किया गया और बल्कि कम से कम समय में सुनिश्चित किया गया, और इसके लिए एक वर्चुअल ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग दोनों के लिए, जिसमें कि पहले से ही एक निर्धारित फॉर्मेट में रिक्वेस्ट आ जाती है कि कल के लिए, जैसे आज उन्होंने रिक्वेस्ट दे दी कि कल हमें इतने समय इस स्थान से वहाँ ले जाने के लिए एयरलिफ्टिंग की या फिर भरे हुए टैंकर्स को मूव करने के लिए रेल ट्रेन की आवश्यकता है, तो उसी हिसाब से तत्काल संबंधित जो अधिकारी हैं वो पूरा एक उसका प्रोसेस टाइप करके ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि निर्धारित समय पर वो उनको उपलब्ध कराया जा सके। अब जो इसमें खास बात है कि जो टैंकर्स हमारे हैं जिनकी आवश्यकता होती है किसी भी तरह से आप भेजें, टैंकर्स या कंटेनर्स, चूंकि ऑक्सीजन की मांग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो टैंकर्स की नंबर्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए और केंद्र सरकार के सुझाव पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 50% तक नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स को ऑक्सीजन में परिवर्तन करने का काम किया है। काफ़ी हद तक ये पूरा हो गया और अभी भी जो बचे हैं उन पर निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसमें जब हम कन्वर्ट्स करते हैं तो उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि ये कोई दिक्कत ना हो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। और साथ ही साथ विदेश से भी टैंकर्स आयात किए जा रहे हैं जिनमें परचेज भी हो रहा है, हायरिंग भी हो रही है और अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग को काम किया जा रहा है। और अब इसमें हमें एक जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक जो कार्य किया है कि जो टैंकर्स पहले क्या होता था अपने प्रोडक्शन साइट से चले और रास्ते में हमें कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ हैं जब तक कि वो गंतव्य स्थान तक ना पहुँच जाएँ, तो इसके लिए सभी अगेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से डिस्कस करके एक GPS टैगिंग का रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और अब वो लगभग अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आज ही भी हमने उसकी देखी रिपोर्ट, जिसमें हमें सुबह सब दिख रहा था कि कौन सा टैंकर जो कहाँ से चला और कहाँ पे है, उसमें कलर कोडिंग भी करी गई है कि अगर कोई टैंकर मूव कर रहा है तो अलग कलर में दिखता है, कोई रुका हुआ है तो अलग, और अगर कोई टैंकर अपने रूट से जरा भी डाइवर्ट करता है या अनऑथराइज्ड स्टॉप करता है तो वो तुरंत फ्लैश हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैंकर्स कम से कम समय में अपने प्रोडक्शन साइट से अपने डेस्टिनेशन पहुंच सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश आदेश कर और फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ ही अलग निर्देश भी दिए कि ऑक्सीजन टैंकर्स या कंटेनर्स को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए तथा इन्हें ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध करा के इनका मूवमेंट बिना किसी अवरोध के सुनिश्चित किया जाए। अब मूवमेंट के बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। जब ये टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच जाती है हॉस्पिटल्स तक तो वहाँ पे इनको दो तरह से स्टोर किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स के पास अपने क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं जिसमें ये स्टोर कर लेते हैं तथा बाकी जो छोटे अस्पताल हैं विशेष रूप से वो जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से इसको स्टोर करते हैं।
तो विशेष प्रयास करके निरंतर इनमें बढ़ोतरी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नंबर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी प्रयास करके सभी के सम्मिलित प्रयास से इनमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी और अभी वर्तमान में भी की जा रही है, बाहर से भी हम लोग मंगा रहे हैं वर्तमान में। अब ये बहुत आवश्यक है और इस पर मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूँगा कि सभी अस्पताल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ऑक्सीजन का जुडिशियस उपयोग सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में विभिन्न स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और उनके बड़े सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, पर अभी भी मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि इस पर हमें निरंतर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसका बहुत ही जुडिशियस उपयोग हो और समुचित तरीके से उसका उपयोग हो। साथ ही मैं सभी देशवासियों से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि वो सरकार के साथ साथ हम सब भी ये प्रयास करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग या कालाबाजारी ना हो, जिससे कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको सही समय पे ऑक्सीजन मिल सके। जैसा मैंने आपको बताया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो मूवमेंट में डिले होने के जो कारण थे उनको भी दूर करने का बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक उनका निराकरण हो भी गया है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग ना होने दें या कालाबाजारी ना होने दें। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किया इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। तो इसके लिए भारत सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके कई अलग अलग वर्चुअल ग्रुप्स बनाए गए हैं टॉपिक के अनुसार। जैसे टैंकर्स की उपलब्धता के लिए एक अलग वर्चुअल ग्रुप है, खाली टैंकर्स की एयरलिफ्टिंग के लिए एक अलग वर्चुअल ग्रुप है, भरे टैंकर्स की ट्रेन से मूवमेंट के लिए या रोड से मूवमेंट के लिए अलग वर्चुअल ग्रुप है, और एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सारे कोई भी ओवरऑल मैनेजमेंट इश्यूज आए किसी भी संदर्भ में तो वो तुरंत उसको वहां फ्लैग कर देता है संबंधित अधिकारी, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हो। और ये फिर वर्चुअल ग्रुप जो है वर्चुअल कंट्रोल रूम और इनफैक्ट सारे वर्चुअल ग्रुप्स जो मैंने पहले भी बताए ये सभी 24/7 रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं तथा किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण करते हैं। अंत में मैं पुनः सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर घबराएं नहीं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तथा इसे शीघ्र देश के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों को पहुँचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और हम सब अगर मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे तो मुझे कोई संशय नहीं है कि हम सब इससे विजयी निकलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उस बात पर टच करना चाहूँगा जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30-40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं इट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 300-400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग
कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपके सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसिप हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है, और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद CT करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उससे नुकसान ज़्यादा है, आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि एम्स, ICMR, कोविड नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, उन्होंने क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड जारी किए हैं रिसेंटली, बेस्ड ऑन सारा जो पिछले साल का डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, रिसर्च हुई है उस पर, कि कौन सी दवाई कब यूज़फुल है और कौन सी दवाई नहीं देनी थी। उसमें ये क्लियर है कि जो माइल्ड इलनेस लोग हैं ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेंटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉयड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सीवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉयड्स उनको Day 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है, माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें, कुछ जो वार्निंग साइंस हैं जैसे आपके सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में है, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज़ की आप किसी के टच में रह सकते हो जो होम आइसोलेशन में, आपके सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो जब आपकी सैचुरेशन कम है तो 1 मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस, तब स्टीरॉयड्स का रोल है, एंड देन स्टीरॉयड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि COVID-19 जो इन्फेक्शन है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग हैं, कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है,
और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियाँ उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफ़ा क्लॉट्स जो हैं वो हार्ट में चले जाते हैं जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूँगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब ज़रूरत नहीं है तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है, और जो ये तीन ट्रीटमेंट जो हैं ऑक्सीजन, स्टीरॉयड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टॉसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरिएट कर रहा है। बट जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही तीन हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये तीन चीज़ें मिल रही हैं पेशेंट को तो ही इज़ गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हैं जैसे रेमडेसिविर है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा है जो कहते हैं प्लाज्मा, या फिर टॉसिजुलिमैब है, दीज आर ओनली अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इतना डेटा नहीं है। स्टीरॉयड का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंटीकोगुलेंट का डेटा है कि ये इन दवाइयों से मोर्टैलिटी या डेथ्स कम हो सकती हैं, औरों का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज देर इज़ अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया है जिससे हम वेबिनार कर रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं, फ्राइडे को भी हमने किया था, जहाँ पे हम रीजनल और स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 1000 पीपल कम ऑन टू दैट वेबिनार, उस 1000 से ज़्यादा लोग वेबिनार पे आ जाते हैं और हम कई चीज़ें उनसे यही डिस्कस करते हैं कि माइल्ड कोविड को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, जैसे मैंने अभी समझाया, ऑक्सीजन का क्या रोल है, कब ऑक्सीजन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, ऑक्सीजन का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, रेमडेसिविर और दवाइयों का क्या रोल है और प्लाज्मा का क्या रोल है, और जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सरे और सीटी का क्या रोल है। हमारी यही कोशिश है कि ये हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसको सिंप्लीफाई करें, एविडेंस बेस करें और सब लोगों को ये प्रोपोगेट कर पाएँ इवन एट द रिमोटेस्ट लेवल। क्योंकि जैसे ये पैंडेमिक फैलेगा या और जगह पर जाएगा तो हर एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं जिससे हमारी ऑप्टिमम ट्रीटमेंट हो और हम लोगों की जान बचा पाएं। मेन एम इज़ टू ट्रीट प्रॉपरली एंड सेव लाइव्स, और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है क्लिनिकल एक्सेलेंस प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, जिससे हर एक रीजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो या छोटे शहर में कोई डॉक्टर हो, उनको हम रीच कर पाएँ कि ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी और इसका रीज़न क्या है, इसका एविडेंस क्या है। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और एंड में जैसे कहा गया कि ट्रीटमेंट के अलावा वी हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ केसेस, तो वी ऑल ऑफ अस हैव सब को इकट्ठे मिलके जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोकना है। मैं अभी फिर से सबसे अपील करूँगा कि अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो घर पर ही रहें, भीड़ कम करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर निभाएं, क्योंकि ये सब हम करेंगे तो हमारे केसेस कम होंगे, तो जिन लोगों को हॉस्पिटल की बेड्स की ज़रूरत है उनको फिर वो आराम से बेड मिल पाएगा और ऑक्सीजन मिल पाएगी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड टिप्स दैट यू हैव गिवन। वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। वी कैन स्टार्ट विद निशांत। है सर, निशांत फ्रॉम ANI। मेरा सवाल सर सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर के है। जो एक तारीख से जो न्यू पॉलिसी है वैक्सीनेशन की, बहुत सारे स्टेट्स ने पहले उस समय में स्टार्ट नहीं किया था वैक्सीनेशन, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के कुछ शंकाएं थी। अब क्या स्थिति है उपलब्धता को लेकर के और कितने सेंटर्स में या कितने स्टेट्स में अब शुरू हो चुका है? दूसरा सवाल सर ऑक्सीजन को लेकर के है। ऑक्सीजन की जो आपने बताया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टेट्स में, खासतौर से मैं दिल्ली की भी अगर बात करूं तो यहाँ पर भी कई बार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये चूक कहाँ पर हो रही है या ये चेन क्यों नहीं पूरी तरह से ठीक हो पा रहा है?
और एक और सर तीसरा सवाल है जर्नलिस्ट के नज़रिए से कि जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स अब घोषित कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल फ्रंट पे ही आकर के काम कर रहे हैं। ये तीन सवाल हैं सर मेरे। तो वैक्सीन के बारे में जैसे आपने पूछा है तो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि 12 स्टेट्स में यह प्रोसेस 1 तारीख से शुरू हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने बताया है कि ये एक एडिशनैलिटी है जिसमें कि मुख्यतः फोकस जो है कि 18 प्लस से 45 साल से कम उम्र के लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि सब तरह से एक डिमांड भी थी। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस है वह आज भी जो साइंस और एविडेंस पर बेस्ड है कि किनको सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और जिसके तहत ही 15.7 करोड़ के करीब 15.5 करोड़ जो हम फ्री दे चुके हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वह कार्य चल रहा है, वह सुचारू रूप से चल रहा है। जिस तरह की आपने पिछली बार पूछा था, बीट प्राइवेट सेक्टर बीट एडिशनल रिसोर्सेज पुट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर एफर्ट्स के द्वारा हम वैक्सीनेशन को लार्जर एरिया कवरेज में लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन कवरेज के लिए काम कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आपने जैसे बताया है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक छोटा सा जो पॉइंट आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। देखिए फील्ड में चैलेंजेस हैं, जैसे अगर आप डेटा को भी एनालाइज करें, जिस तरह का रनअवे इन्फेक्शन इस देश में सडनली हमने सेकेंड वेव में पाया, जिस तरह से हमारे 50,000 से कम केस एक साथ एक महीने में बढ़कर 4 लाख प्रतिदिन आने लगे, इस चैलेंज को मीट करने के लिए हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि उसी सिंसियरिटी से, उसी एक इन्वॉल्वमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर उस पर काम किया है। आज भी अगर आप देखें कि कई जगह से न्यूज़ आती है कि किसी जगह पर कि कोई कम समय के लिए ऑक्सीजन अभी उपलब्ध है, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये चैलेंज सबके लिए यूज है, और उस चैलेंज को गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे वो चैलेंज किसी तरह से और एक कॉम्प्लेक्सिटी में ना कन्वर्ट हो, कोई हमारे किस तरह से हम अपनी देश के हर पेशेंट को बचा पाएं जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, उस ही दृष्टि से सब लोग काम करें। इस चैलेंज को ये मानना पड़ेगा यूज है, लेकिन उसी सिंसियरिटी से सब लोग मिलकर उस पर काम भी कर रहे हैं। जी तो अगर देखिए आज की तारीख में जर्नलिस्ट डेफिनेटली फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, रेलवेज का हर एम्प्लॉय फ्रंटलाइन वर्कर है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हमने फ्रंटलाइन वर्कर का जो प्रोसेस शुरू किया तो हमें इतनी डिमांड आई कि हर सेट ऑफ पीपल इन सम फॉर्म द अदर दे आर फ्रंटलाइन वर्कर्स टुडे। उन फ्रंटलाइन वर्कर में फिर जो प्रायोरिटी ग्रुप थे जो कि कंटेनमेंट पर मेनली काम कर रहे थे, जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाउस टू हाउस जाकर पेशेंट को चेक कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन के अलावा भी स्पेशल टीम जाती चेक करती है, तो उनको ही हमने जिला अधिकारियों को, जिला के सारे टीम्स को स्टेट से रिक्वेस्ट की उनको फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अनाउंस किया जाए। लेकिन अभी हमें एक साथ में एक और ये एनालाइज करना है कि अब तो हमने वैक्सीनेशन और इतना एक्सपैंड कर दिया कि अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर ना भी हैं तो आपको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, 45 प्लस लोग आराम से वैक्सीन ले सकते हैं, 45 से कम उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन की फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। धीरे धीरे जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, जैसे हमने पहले दिन वैक्सीन शुरू किया, बढ़ते बढ़ते आज वो काफ़ी स्टेबलाइज वे में हम कर पा रहे हैं, धीरे धीरे 18 से 44 भी हमें लगता है उसी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगी, तो आप सब लोग उसमें कवर हो सकते हैं। मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा हम कम्युनिटी का सपोर्ट पाते हैं, तो डेफिनेटली हर तरीके से आप हमारे लिए फ्रंटलाइन वर्कर ही हैं। सर संजय शर्मा आज तक से, मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कि मार्च के बाद से सरकार ने भारत बायोटेक और SII को फ्रेश ऑर्डर नहीं दिए हैं वैक्सीन के। 100 मिलियन SII से मार्च में ऑर्डर दिया गया था और 20 मिलियन भारत बायोटेक से, इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारा जो सेकेंड लास्ट ऑर्डर था वह 100 मिलियन जैसे कि आपने बताया 10 करोड़ डोजेज सीरम के साथ था और 2 करोड़ डोजेज भारत बायोटेक के साथ था। उसके अलावा हम लोगों ने 100% एडवांस देते हुए 1732 करोड़ रुपए
हमने सीरम इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट 11 करोड़ डोजेस के लिए रिलीज भी कर दिया था, जो कि 28 तारीख को रिलीज हो गया था, जिसमें कि हमने मई, जून और जुलाई की वैक्सीन का उनको ऑर्डर